हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पाथ मेकर पे। और मैं हूँ विवेक। दोस्तों, आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत बड़ी अपडेट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी, जो आपका 2019 में निकला हुआ था, आरआरसी 1/2019। इसके लिए आज की डेट में बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों, ईसीए टेंडर की बहुत ज़्यादा बड़ी, मतलब इससे बड़ी कोई खुशखबरी कोई दोस्तों हो ही नहीं सकती। और मैं बता दूं दोस्तों, जब भी आप लोगों को मेरे नोटिफिकेशन में आरआरसी लिखा दिखे आप लोगों को, तो प्लीज़ समझ जाइए माई डियर कि ये नया वाला आरआरसी ग्रुप डी है, जिसमें 1,03,000 के आसपास जो आपकी वैकेंसी निकली हुई है, ये वो वाला नोटिफिकेशन है। तो दोस्तों, आज की डेट में ये नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। और इसमें क्या है, ये आपकी जो टेंडर की डेट है वो यहाँ पे अनाउंस कर दिया, और यहाँ पे प्रीविड जो कॉन्फ्रेंस होने वाली उसकी भी डेट अनाउंस यहाँ पे कर दी है। तो दोस्तों, पूरा नोटिफिकेशन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, जिससे पल पल के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। दोस्तों, यहाँ पर देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आरआरबी भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है। हालांकि ये और भी वेबसाइट्स पे अपडेट हुआ हुआ ये नोटिफिकेशन, बट मैंने ये सबसे पहले आरआरबी भोपाल की वेबसाइट पर ही देखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं CEN आरआरसी 1/2019 आज की डेट में रिलीज हुआ है। और ये पूरा देख लेते हैं, यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर इंडिकेटिव टेंडर एडवर्टाइज फॉर एंगेजमेंट ऑफ एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी ECA फॉर कंडक्टिंग CVT फॉर पोस्ट ऑफ नोटिफाइड बाई RRBs अंडर CN 1/2019। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी बात है। चलिए नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने फाइनली नोटिफिकेशन को ओपन कर रखा है। दोस्तों, मैं बता दूँ, ये सबसे पहले आरआरबी की भोपाल की ही ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भोपाल। सबसे पहले नेम ऑफ वर्क आप देख सकते हैं, नेम ऑफ वर्क में दिया हुआ है कि आपका रिजल्ट कैसे होगा, इसका एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होगा, पैनल, इन सब का सबके बारे में, मतलब ये पूरा आरआरसी ग्रुप डी के बारे में, ठीक है। इसकी अब हम बात कर लेते हैं। देखिए, जो कॉस्ट आने वाली, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ वर्क, मतलब पूरा का पूरा ये जिस भी, मतलब किसी भी आप कंपनी को दिया जाएगा ना, तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ है, यहाँ आप देख सकते हैं 353.98 करोड़ के आसपास, यहाँ इसकी पूरे जो एग्ज़ाम होने वाला है ग्रुप डी का, इसकी यहाँ पे कॉस्ट है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि इसमें कम से कम 1.5 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी बात देखिए, जो आपकी टेंडर ये चलने वाला है, मतलब ये एग्ज़ाम का जो पूरा प्रोसेस चलने वाला है, पूरा लगभग आपका अप्रोक्सीमेट 2 साल से ज़्यादा लग जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो टेंडर की जो बात बोली हुई है, ये 2 साल की बोली हुई है। अब यहाँ पे ये टेंडर देखिए कब से स्टार्ट होने वाला है। यहाँ देखिए डेट ऑफ इश्यू ऑफ टेंडर, कल की डेट से ये टेंडर यहाँ पर ओपन हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो टेंडर की ये देखिए लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिटन क्वेरीज फॉर क्लैरिफिकेशन, मतलब यहाँ पे कोई भी क्वेरीज है तो यहाँ पे 10 दिन के अंदर यहाँ पर देखिए टेंडर की जो क्वेरीज है यहाँ पर क्लोज हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम देख लें प्रीविड की बात कर लेते हैं माय डियर। देखिए प्रीविड की बात करें तो देखिए 23 अक्टूबर यहाँ पर आपकी, नहीं डेट टाइम, ये प्रीविड आपका दिया हुआ है 8 अक्टूबर यहाँ पर प्रीविड आपकी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर इसकी जो क्वेरीज हो जाने वाली है वो आप देख सकते हैं 23/10/2020। साथ में ही बात कर लेते हैं माय डियर, यहाँ पे देखिए टेक्निकल बिड की बात कर लेते हैं। टेक्निकल बिड यहाँ पे आप देख सकते हैं, टेक्निकल बिड 2/11/2020 को यहाँ पे टेक्निकल बिड आपकी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, ये है पूरा फुल नोटिफिकेशन। और इसके बारे में दोस्तों, जो भी आपको अपडेट लेना है तो आप यहाँ IREPS की ऑफिशियल वेबसाइट से भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा बड़ी खुशखबरी की बात है कि यहाँ पर फाइनली आरआरबी ग्रुप डी भी जाग गया है। अब इसका एग्ज़ाम होने में ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, क्योंकि इसका फाइनली जो आपका ECA टेंडर है, यहाँ पर इसका अपडेट आ चुका है। अब मतलब इसका प्रोसेस भी बहुत फास्ट में है, क्योंकि NTPC का हाल फिलहाल आपको पता है 15 दिसंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो अभी तो नहीं होगा, कम से कम NTPC के बाद इसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका फाइनली ECA टेंडर की अपडेट आ चुकी है। तो दोस्तों, ये था आज का फुल नोटिफिकेशन। इसका जो PDF लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा माय डियर। दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद।